वापस नहीं जाऊंगी, मेरी अर्थी ही जाएगी, मुझे वहां पर मार दिया जाएगा। ये बयान दिया है सीमा हैदर ने। सीमा को डिटेंशन सेंटर में रहना मंजूर है, भारत में रहकर हर सजा मंजूर है, लेकिन पाकिस्तान वापस जाना मंजूर नहीं। ऐसा क्यों? क्या सचमुच उसे सचिन से इतना प्यार है या फिर कोई और साजिश? पाकिस्तान से 4 बच्चों को लेकर अवैध रूप से भारत में दाखिल हुई सीमा हैदर अब भारत में ही रहेगी या उसे पाकिस्तान डिपोर्ट किया जाएगा, ये भारतीय कानून को ही तय करना है। हालांकि सीमा ने पाकिस्तान जिंदा लौटने से साफ इनकार कर दिया है। UPATS द्वारा 2 दिन की पूछताछ के बाद सीमा और सचिन अब ग्रेटर नोएडा के बूपुरा स्थित अपने घर लौट आए हैं। ATS की पूछताछ खत्म होने के बाद जब सीमा घर लौटी, मीडिया कर्मियों ने पूछा कि अगर भारत सरकार द्वारा आपको पाकिस्तान डिपोर्ट किया जाए तो क्या करेंगी? इसके जवाब में सीमा ने कहा, मेरा यहाँ जीवन है और वहाँ पर मौत, अगर उसे पाकिस्तान भेजा जाएगा तो उसकी हत्या कर दी जाएगी। मुझे योगी जी और मोदी जी पर पूरा यकीन है, वो ऐसा नहीं होने देंगे। मैं कभी जिंदा पाकिस्तान नहीं जाऊंगी, अगर जाना ही पड़ा तो मेरी अर्थी ही पाकिस्तान वापस लौटेगी। मैं सचिन से प्यार करती हूं, अगर मैं दोषी पाई जाती हूं तो जो सजा देंगे कबूल है। सरकार भले ही मुझे डिटेंशन सेंटर में रखे मगर बच्चों और सचिन के साथ रखे, मैं वहां भी रहने के लिए तैयार हूँ। UPATS की पूछताछ के बाद सीमा हैदर ने एक बार फिर PM नरेंद्र मोदी और CM योगी आदित्यनाथ से गुजारिश की कि उसे भारत की नागरिकता दी जाए। उसने दुबई जाने के सवाल पर कहा कि मैं कनेक्टिंग फ्लाइट होने के कारण दुबई गई थी, मैं तो काठमांडू के लिए निकली थी। नेपाल में होटल मैनेजर की ओर से लगाए गए आरोपों पर सीमा ने कहा कि वो झूठ बोल रहे हैं, मैंने वहां पर अपने पति का नाम सचिन बताया था। सीमा ने साफ तौर पर कहा कि अब मैं पहले हिंदू हूँ, पाकिस्तान भेजे जाने की स्थिति में वहाँ मेरी जान को खतरा है। सीमा ने दावा किया कि आप इंतज़ार करिए, जल्द ही सच सामने आ जाएगा। जासूस होने के आरोपों को उसने पूरी तरह से खारिज कर दिया। सीमा हैदर ने भारत आने को लेकर कई खुलासा किया। उसने कहा, मैंने पाकिस्तान में अपने घर को बेचकर पैसे जुटाए, यूट्यूब पर भारत आने के तरीकों के बारे में जाना, पाकिस्तान से UAE गई, वहां से नेपाल आई, नेपाल से ग्रेटर नोएडा तक कार का सफर तय किया, मैं अब वापस पाकिस्तान नहीं जा सकती, वहां पर मेरी जान को खतरा है। मैंने ATS के सामने सब सच बता दिया। भाई के सेना में शामिल होने पर उसने कहा कि वो पहले कराची शहर में मजदूरी करता था, पिछले साल उसने सेना में सिपाही के पद पर ज्वाइन किया, वो सेना में एक छोटा सा सिपाही है, मैं सच बोल रही हूँ, इस सब के बाद भी देश का कानून जो कहेगा मैं करने के लिए तैयार हूँ, मैं जासूस नहीं हूँ, ये सच जल्दी सभी के सामने आ जाएगा। मीडिया से बातचीत करते हुए सीमा हैदर ने कहा कि पाकिस्तान में कहावत है कि अंधा भी मुल्तान ढूंढ लेता है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि मुश्किल दिनों में आप बेहतर की तलाश कर ही लेते हैं। उसने कहा कि मैं बड़ी मुश्किलों से भारत पहुंची हूँ। ATS की पूछताछ के बाद मीडिया के सवालों के जवाब देते हुए सीमा ने कहा कि भारत में घुसते हुए मैंने सीमा पर अपने पति का नाम सचिन ही बताया था, बच्चों के बारे में भी बताया, सचिन उनके पिता हैं। उसने कहा कि मैंने 2 करवा चौथ मनाए हैं, पाकिस्तान में भी साड़ी पहनती हूँ। ISI एजेंट और सेना में शामिल परिजनों से संपर्क के सवाल पर भी उसने साफ इनकार कर दिया। पाकिस्तानी फौज में शामिल भाई से बातचीत से इनकार करते हुए कहा कि मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई है, लेकिन सवाल अभी भी वही है कि सीमा पाकिस्तान जाने के लिए आखिर तैयार क्यों नहीं है, वजह छोटी मोटी तो हो नहीं सकती। इस खबर पर आपकी क्या राय है, मैं कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। VK News, राष्ट्र के नाम।